उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड करें। आज मैं आपके लिए ख़वातीन के फैशन की में से बाज़ टुकड़े बारमासी क्लासिकी के तौर पर पेश करूंगा, जो देर पा खूबसूरती और नफासत को मुजस्सम करने के लिए अर्जी रुझानात से बलतर होते हैं। छोटा सा स्या लिबास आप हमारे चैनल की तरफ से जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप इन्हें ज़रूर पसंद करेंगे। अलमारी एक अहम हिस्सा बनी हुई है जो आसानी से लवाजमात की एक सादा तब्दीली के साथ दिन के वक़्त वज़ादार से शाम की रग़बत में तब्दील होती है। टरल ब्लेज़र, कुरकुरा सफ़ेद कमीज़ें और अच्छी तरह से लेस डिनम जीन्स यकसा तौर पर नागुज़ैर हैं, जो इस बुनियाद के तौर पर काम करते हैं जिस पर वर्सटाइल जोड़े बनाए जाते हैं। ये लाजवाल क्लासिकी चीज़ें अलमारी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, जो बग़ैर किसी आसानी और गैर मामूली ग्लैमर के लाइम्तनाही मौके पेश करते हैं। फैशन एक मुतहर्रिक है जो मुसलसल जिद्दत तख्लीकी सलाहियतों और सकाफ़ती असरात के धागों से बुनी जाती है। पेरिस के रन में से लेकर टोक्यो की सड़कों तक असली रुझानात के उभरते हैं, जो जेंजेस्ट को अपनी गिरफ्त में लेते हैं और ज़बाने की रूह की अकासी करते हैं। हालिया बरसों में एथलेरस के अरूज ने एक्टिक वेयर और आरामदेह और पुरसकून वज़ादार के दरमियान लाइनों को धुंधला कर दिया है, जिससे ख़वातीन को अंदाज की कुर्बानी के बग़ैर आराम को अपनाने की आज़ादी फरहम की गई है। बोल्ड प्रिंट्स, मुतहरिक रंग और इंतखाबी साख्तें और इसके साथ साथ फैशन के मंजरनामे पर हामी हैं, जो कि चिंचलपन और इनफरादियत के एहसास के साथ मलबूस हैं। पैदारी भी एक महर्रिक क़ुव्वत के तौर पर उभरी है, जिसमें माहौल दोस्त कपड़े और अखलाकी तर्ज अमल ईमानदार सार्फीन के इंतखाब को तश्कील दे रहे हैं। ख्वा ये सनफी सयाल स्लेट बयान के लवाजमात या पुरानी यादों को अपनाने की बात हो, असरी रुझानात ख़वातीन को दिलेरी और मुस्तनद तरीके से अपना इजहार करने की दावत देते हैं।
خواتین کے فیشن کی بیسٹری ثقافتی اثرات کے متنوع میوزک سے مالا مال ہے، ہر ایک اپنے منفرد رنگوں، نمونوں اور روایات کو عالمی جمالیات میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ ہندوستانی ساڑیوں کی پیچیدہ کڑھائی سے لے کر جاپانی کیمنیوز کے بہتے ہوئے سلویٹس تک، ثقافتی لباس انسانی ورثے اور تخلیقی صلاحیتوں کی بھرپور ٹیمپسٹری میں ایک کھڑکی پیش کرتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی دنیا میں فیشن ثقافتوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے، ثقافتی مکالمے کو فروغ دیتا ہے اور تنوع کا جشن مناتا ہے۔ اپنی الماریوں کے انتخاب میں ثقافتی الہام کو اپناتے ہوئے خواتین روایات کا احترام کرتی ہیں، آوازوں کو وسعت دیتی ہیں اور انہیں ان میں آواز کی پستی ہوتی ہے، اور سرحدوں سے تجاوز کرنے والے روابط کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جمالیات سے ہٹ کر فیشن خواتین کو خود دریافت کرنے اور خود اظہار خیال کرنے کے سفر پر آگے بڑھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ با اختیار بنانے اور حوصلہ افزائی کرنے کی تبدیلی کی طاقت رکھتا ہے۔ سٹائل کے ذریعے خواتین اپنے جسموں پر ایجنسی کا دعویٰ کرتی ہیں، خود مختاری کا دعویٰ کرتی ہیں، معاشرتی اصولوں اور توقعات کو چیلنج کرتی ہیں۔ فیشن انڈسٹری نے شمولیت اور جسمانی مثبت کی طرف ایک مثالی تبدیلی کا معاہدہ کیا ہے۔ برانڈز نے خوبصورتی کی متنوع نمائندگی کو قبول کیا ہے اور صداقت کے فروغ دیا ہے۔ زیادہ سائز کے فیشن سے لے کر انکولی لباس تک، خواتین کے فیشن کا دائرہ دنیا بھر میں خواتین کی بے شمار شکلوں، سائزوں اور صلاحیتوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے پھیل رہا ہے۔ ان کی منفرد شناخت کو گلے لگا کر اور ان کی منفرد شخصیت کو پیش کرتا ہے، اور فیشن ایک بہت ہی تیزی سے بدلنے کا نام ہے جو ہر موسم کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے اور
अपने में रोज़ बरोज़ तब्दीली करता रहता है। इसके साथ साथ फैशन इंसानी शख्सियत के लिए बहुत अहम किरदार भी अदा करता है। फैशन हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, जिन्हें हम किसी भी वक़्त अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। और बराए करम इसमें किसी को तंग ना करें, किसी को परेशान ना करें। अगर आपको अल्लाह ने ताकत दी है तो आप इनका तजर्बा ज़रूर कीजिएगा, और तजर्बा करने से कभी भी मत घबराइएगा, क्योंकि तजर्बे के ज़रिए से ही आप अपने ख्यालात को लोगों के सामने ज़ाहिर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप हमें इस बात से भी आगाह करेंगे कि आपने आज की इस वीडियो में कौन सा डिज़ाइन पसंद किया है, और अगर आप इससे मज़ीद कुछ और देखना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कर दें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके ख्यालात के मुताबिक वीडियो बनाएं और आपके सामने उसको पेश करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा कीजिएगा, दबा दीजिएगा, ताकि आपके वक्त आपके पास सबसे पहले बुनियादी जो काम है उसकी तरफ आपका ज़हन चलाया जा सके। तो दोस्तों, आज हमें आप ज़रूर आगाह करेंगे, और उम्मीद भी करता हूँ कि आप सब खैर तो अफियत के साथ होंगे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए आइडियाज़ के साथ और नए ख्यालात के साथ। उस वक़्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले आपकी अपनी ज़िंदगी कीमती है, आपकी सेहत कीमती है। लिहाजा ऐसे वक़्त में अपने आप को तन्हा कभी मत छोड़िएगा। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हिदायत से रोशन दूध करे।